सीनियर सहाफी हसनैन शाह को कत्ल करने वाले मुलजमान गिरफ्तार। सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मलेशिया के नाम से कारोबार करता है और हसनैन शाह साहब के उनके साथ जो लेन देन के मामला थे, वो लेन देन के मामला तनाजा की शक्ल इख्तियार कर गए, तैश और इश्तियाल की हदें पार करते करते इस हद तक पहुंच गए कि आमिर भट्ट ने अपने भाई शहद भट्ट के साथ मिलकर हसनैन शाह को कत्ल करने का मनसूबा बनाया और इस मकसद के लिए फरहान शाह है उससे रब्ता किया, कहा कि हमें ऐसे बंदे अरेंज करके दो ताकि हम हसनैन शाह का खात्मा कर सकें। और फिर उन्होंने फरहान शाह ने वो आदमी अरेंज किए और फिर चार लोगों को अरेंज किया गया। दो आदमियों के जिम्मे था जो उन्होंने वो जो शूटर्स थे उनको कैपिटल जो टीवी है उसके बाहर के इलाके में उन्होंने वो शूटर्स को लेके आना था, उनको वेपन्स देने थे, चार लोग थे। तो ये जिम्मेदारी हैदर शाह के पास थी कि उसने शूटर्स को वहाँ लेके आना था वेपन देने, और उसके साथ एक अमजद पाशा था। अल्लाह का फजल और करम है, हम पे अल्लाह ने हमारी मदद की, हमने तीन टीमें तश्कील दी। जब ये वाक्या हुआ, अफसोसनाक वाक्या हुआ, मैंने फजल और करम किया और हमारी भरपूर मदद की, जिसकी वजह से इतने कम वक्त में हम इस काबिल हुए कि हम हसनैन शाह के कातिल तक पहुंच गए। वाकया कुछ यूं है, मैं आप लोग हमारी मदद करते हैं तो ये जिस दिन ये दोनों वाकया हुआ, जिला पंजाब उस्मान गुलाब साहब, आई पंजाब राव सरकार साहब और तहसील पंजाब लाहौर पुलिस के सरबरा, मैंने कहा इस मुकदमे में जो मुदई है वो लाहौर पुलिस है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं ये हमारी पुलिस का हिस्सा है। सीसीपीओ लाहौर का कहना था कि पंजाब पुलिस हमेशा सहाफी बरादरी के साथ शाना बशाना खड़ी रहे। कैमरामैन आतफ अरून के साथ राशिद अली भट्टी, चीफ रिपोर्टर पंजाब मीडिया।